Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna... Tech News में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, Tech News इतना अच्छा लगता है मुझे, मैं मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने पता नहीं कितने बार बोला रहेगा, लेकिन बार बार बोलूँगा, क्योंकि आप लोग के जो कमेंट्स आते हैं, आप लोग जो लाइक्स देते इतने सारे, मेरे लिए बहुत बड़ा मेडिसिन है मोटिवेशन का, क्योंकि ये चलता रहेगा, ऐसी हमारी टेक न्यूज़ चलते रहेगी। और अगर आप नए तो सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, हमें आगे जाना है मोटिवेशन के साथ साथ। आज हमने वीवो का वीडियो अपलोड किया है, जाइए देखिए एक इंटरेस्टिंग। वैसे तो आईक्यू Z6 Pro वाला ही सेम फोन है वीवो T1 Pro, बट देखिए जाइए थोड़ा, आपको कुछ और चीज़ें हम लोग उसमें उसके अंदर बताइए। हम ट्रैवल करने वाले हैं, एक बड़ा प्लान हो रहा है, उसके बारे में आपको बताएंगे। ऑफिस में काम चल रहा है, इतना बिजी शेड्यूल है, इतनी अनबॉक्सिंग हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है। और आज आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए, अगर ब्रांड एमोलेड डिस्प्ले देती है तो उसमें साइड माउंटेड आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर चलेगा या अंडर डिस्प्ले ही चाहिए, कोई भी बजट हो? मुझे ये चीज़ जरूर कमेंट में बताना, मैं आपकी प्रेफरेंस जानना चाहता हूँ। लाइक करिए दोस्तों, प्यारा सपोर्ट बनाए रखिए। फटाफट से आज की रेगुलर शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम वाले भाई एक टिकटॉक वाले जैसे फीचर पर काम कर रही है, रील्स तो उठा लिया उन्होंने वहां से, बट स्टिल ये वाला थोड़ा अच्छा है। यहां पर जो फीड है, जो पोस्ट होते हैं इंस्टाग्राम पर, वो आपको स्मॉल दिखते, अब आपको फुल व्यू में देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये फिलहाल के लिए अभी टेस्टिंग फेज में, बड़ी ही जल्दी आ जाएगा। मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है, क्योंकि कभी कभी फीड में भी, पोस्ट पर भी रील्स के वीडियोस आते जो हमें आधे में दिखाई देते, इसमें फुल स्क्रीन पे दिखाई देगी, फोटोज भी बड़े दिखेंगे, एक्सपीरियंस थोड़ा और भी बेटर होगा। बाय द वे, इंस्टाग्राम के इंडिया में बहुत सारे यूजर्स हैं, लेकिन हमें ना बहुत कम लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो या टेक्नोवे सर्च करिए, मिल जाएगा। वहाँ पर हम रील्स डालते हैं, फोटोज डालते हैं, बिहाइंड द सीन्स डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, और गिव अवे भी कभी कभी रैंडमली कर लेते हैं। मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पर, दुआ मिलेगी। फाइनली चाइना में रेडमी नोट 12 सीरीज तो नहीं, बल्कि रेडमी नोट 11T सीरीज ऑफिशियली कंफर्म्ड हो गई है। पोस्टर बाहर आ गया, बड़े में ऊपर रेडमी नोट 11T लिखा है, नीचे नोट 11T प्रो लिखा है। अब ये डेट सामने नहीं है, बट कंफर्म्ड हो चुका है। और इनमें पहले लीक आई थी कि 144Hz की IPS डिस्प्ले मिलेगी, साथ में डायमेंसिटी 8000 या 8100 होगा। इंडिया में इसी नाम के साथ आएगी, कैसे आएगी अभी कुछ पता नहीं है। 25000 की रेंज के फोन होंगे ऐसा बोल रहे हैं। तो Redmi Note 11 सीरीज ऑलरेडी है, अब 11T सीरीज आ रही है। वैसे क्या लगता है इनके बारे में, कमेंट में ना जरूर बताना। OnePlus की तरफ से दो इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, एक अच्छी है एक बुरी है। पहले अच्छी उठाते हैं, हमारी आदत है। OnePlus 10 Ultra, OnePlus का सबसे पावरफुल फ्लैगशिप फोन, इस साल सितंबर में लॉन्च होगा ऐसा बताया जा रहा है। स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन OnePlus, 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग और कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले होगी, 120 हर्ट्ज हाईर रिफ्रेश रेट। ये भी कंफर्म नहीं है, सिर्फ लीक है, लेकिन OnePlus सितंबर में लेके आएगा। बट उससे पहले OnePlus 10 भी आएगा, जिसमें डायमेंसिटी 9000 या इधर स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1, अभी वो कंफर्म नहीं कर पा रहे, वो जून में आएगा ऐसा बोलते हैं। सारे साथ बुरी खबर की बात करें तो OnePlus Ace जो चाइना में लॉन्च हुआ था, इंडिया में OnePlus 10R के नाम से आपको मिल रहा है, ये फोन चाइना में बहुत ओवरहीट हो रहा है। वीवो पर, वहां पर जो चाइना की जो ब्लॉगिंग है, वहां पर इतना कंप्लेंट जा रहा है, 45-46 टेम्परेचर जा रहा है। OnePlus तक बात गई तो बोल रहे भाई वो तो नॉर्मल है। हाँ, OnePlus वाले बोलते हैं कि अगर आप जेंशन इंपैक्ट जैसे गेम खेलेंगे या हैवी टास्क करेंगे, वो तो गर्म होगा ही ना। जबकि इनको ये नहीं पता है कि भाई हैवी टास्क करने के बाद भी फोन इतना ज्यादा हीट नहीं होना चाहिए। आप सेम चिपसेट के साथ Realme GT Neo 3 इंडिया में मैं टेस्ट कर रहा हूँ, उसका रिव्यू आएगा, मुझे उसमें तो मेजर हीटिंग इशू नहीं नजर आया। और OnePlus 10R मेरे पास नहीं, उसका तो मुझे नहीं पता, बट फिर भी ये चाइना की बात है तो हो सकता है वहाँ इशू हो। इंडिया में तो अभी आजकल ब्रांड ऑप्टिमाइज कर रही है, स्टिल थोड़ा मुझे बुरा लग रहा है। अब डर इस बात का है कि Note 2 जो ब्लास्ट हो रहा था, पहले गर्म ही हो रहा था फिर ब्लास्ट हुआ, कहीं ये भी शुरू ना हो जाए। ऑल इज वेल। चाइना में 10 मई को बताया जा रहा है कि मोटरोला अपना एक बहुत ही पावरफुल फ्लैगशिप फोन लॉन्च करने वाला है, और ये शायद हमें इस साल इंडिया में भी मिल सकता है। ये वही फोन है जो वर्ल्ड का सबसे पहला 200 मेगापिक्सल कैमरे के साथ आएगा, मोटरोला फ्रंटियर। ऐसा लीक है भी, कंफर्म नहीं है, ये तो 10 तारीख को ही पता चलेगा कि मोटरोला क्या करता है। बाकी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या वाकई में ये फोन आ रहा है और कमर्शियली अवेलेबल हो रहा है नहीं हो रहा है। ये 10 मई को पहले चाइना में जो जाएगा ना, तब पता चलेगा। Nothing Phone 1, आज एक बढ़िया खबर आ रही है, और ये कालपी वाले भाई मतलब बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे। किसी ने उनसे सवाल किया उन्हीं के कोई पोस्ट के नीचे कि भाई Nothing Phone 1 कब लॉन्च हो रहा है, उन्होंने डेट बता दी 6/9/420। अब ये US फॉर्मेट में डेट है, अगर उससे हम लोग उठा लें तो 6 यानी कि जून और 9 जून 9th, तो जून 9 तारीख को ये फोन लॉन्च हो सकता है, ऐसा उन्होंने हिंट दिया है।
अब उन्होंने ऐसा डायरेक्ट कमेंट कर लिया और क्या है ये कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि एक बड़ा सा अलग से यू नो टीजर आता है, फिर पोस्टर होता है लॉन्च डेट का, बट ये तो उन्होंने कमेंट में ही बोल दिया 6 जून ऐसे लीक हुई है ऐसा बोल रहे हैं। मतलब आपको क्या लगता है दोस्तों नथिंग फोन 1 के बारे में? मुझे लगता है कि शायद ये जुलाई तक आएगा, जून में तो नहीं, समर में तो आने वाला इतना पता है, सारे कंट्रीज का अलग अलग समर होता है, ठीक है, मुंबई में तो 4 साल के 12 महीने होता है। आप बताइए आपको क्या लगता है। बाद में क्वालकॉम ने अपने बहुत ही पावरफुल नेटवर्किंग चिप्स को अनाउंस कर दिया है अलग अलग कैटेगरी से, लेकिन इनमें एक सबसे पावरफुल चिप है उसको उठा लेते हैं, वाईफाई 7 सपोर्ट के साथ आता है जो 33 GBPS की पीक डाउनलोड स्पीड दे रहा है, वाईफाई 6E से भी दुगना फास्ट है। वाईफाई 6E अभी 10 GBPS पर है, सोचो ये राउटर्स में फिलहाल के लिए अवेलेबल है, बाद में हो सकता है हमें स्मार्टफोन्स में भी देखने को मिल जाए, सपोर्ट लेके आ जाए, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। और बोल रहे कि जो इस साल या अगले साल जो फ्लैगशिप फोन्स आएंगे उनमें वाईफाई 7 का सपोर्ट होगा, और ये देख लो वाईफाई 7 कितना ज़्यादा फास्ट है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, वैसे आने दीजिए, कौन सबसे पहले लेते आता है उसका इंतजार है। क्या आपको बताया दोस्तों, मैक्सिको के अंदर एक बार 8 magnitude अर्थक्वेक आया, इतना खतरनाक होता है कि इसमें पूरा मैक्सिको आधा से ज़्यादा मतलब वहाँ पर तबाह हो गया था, ये बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। हॉस्पिटल भी गिर गया था जिसमें एक बच्चों का डिपार्टमेंट था, न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं ना उनका अलग से एक रूम होता है, वो भी उधर ही था, सारे के सारे बच्चे बच गए, न्यू बॉर्न बेबीज, इतना ही नहीं 7 दिन तक तो कोई गया भी नहीं था वहाँ, मतलब वो निकालना सब सामान कितना टाइम लगता है ना, सोचो। हाँ आज की रिंग खत्म होती है, आज की रिंग पसंद है कि पसंद है, लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।